Hello, Vande Mataram, good morning to all of you. Myself, Pankaj Dhangar, and I am going to teach you English grammar. So, let's start our last topic, जो भी हमारा topic चल रहा था, narration, okay? Narration में अब तक हमने assertive sentence, interrogative sentence में दो types होते हैं, helping verb और WH question, ये हमने देखा. Right? Now today, I am going to teach you imperative sentence in narration. Okay? अज्ञार्थ वाक्य. Imperative sentence को देखो हिंदी में क्या बोला जाएगा? अज्ञार्थ वाक्य. कि अज्ञार्थ वाक्य कैसा? अज्ञात वाक्य मतलब ऐसा जब हम किसी को कोई भी क्रिया करने के लिए आज्ञा दे, राइट? और उन्हें हम नाम से या प्रोनाउन से नहीं बुलाते, हम डायरेक्ट बुलाते हैं. यहाँ आओ, इधर बैठो, कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, डोंट डिस्टर्ब मी, शट अप, इस प्रकार के वाक्य. ओके, तो इस प्रकार के वाक्य हम नैरेशन में पढ़ते. सी, लेट्स स्टार्ट. इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स हिंदी में कहा जाएगा आज्ञार्थ वाक्य. मोस्टली बिगिन विथ वी वन. इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत अधिकतर वाक्य के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होता है. मीन्स कहा जाए तो वर्ब के मेन फॉर्म से होता है. ओके, सी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो वो वाक्य कैसा कहलाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस. नाउ बिगिन विथ डोंट. बिगिन विथ डोंट से अगर शुरू हुआ ना तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए, क्योंकि डोंट से शुरू होने वाला वाक्य इंट्रोगेटिव भी होता है. जैसे कि डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते, राइट? उस प्रकार का वाक्य नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है वो. तो इस डोंट के वाक्य में याद रखना लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं. अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो वो किस में जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सोल्व होगा. बात याद रखना. ओके, आगे. अब इंपरेटिव सेंटेंस में सेट टू के बदले, कनेक्टर के बदले कैसे शब्द प्रयोग होते, तो वो हमने लिखे. सी, इन प्लेस ऑफ सेट टू यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एक्सप्रेशन. सेट टू के बदले हम इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य के भावार्थ के अनुसार, वाक्य के एक्सप्रेशन के अनुसार, किस ढंग से बोला गया भाई, किस एक्सप्रेशन से बोला गया है, उसके आधार पे हम चेंज करेंगे. सपोज प्लीज करके कुछ बोला गया हो तो प्लीज तो हट ही जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, और सेट टू के प्लेस पे क्या आ जाएगा? रिक्वेस्टेड. किसी को आदेश दिया हो या हुकुम, कमांडेड मतलब क्या होता है? हुकुम देना. जैसे ऑफिसर्स लोग हुकुम देते हैं ना, कमांड करते, उस प्रकार कमांडेड, ऑर्डर्ड, आदेश देना. एडवाइज्ड, एडवाइज्ड मतलब सलाह देना, राइट? सब वर्ब के सेकंड फॉर्म में याद रखना. सजेस्टेड, सजेस्टेड मीन्स सुझाव देना, राइट? वॉर्न, वॉर्न करना. देखो किसी को वॉर्न करते हैं, वार्निंग देते हैं, तो वॉर्न करना मतलब चेतावनी देना. ओके, तो सेट टू के बदले अकॉर्डिंग टू सेंटेंस का एक्सप्रेशन के अनुसार इनमें से कोई एक शब्द लिखेंगे. कन्फ्यूजन कहाँ होगा? सलाह और सुझाव में. सलाह और सुझाव में कन्फ्यूजन होगा तो याद रखना वहाँ पे आप सलाह सुझाव में से कोई भी एक भी लिख सकते हो. जैसे सलाह दिया जाए तो मोस्टली डॉक्टर देते, इसी तरह भी कहा जाता है कि सलाह अगर देनी हो ना तो कुछ सलाह देने के बाद कुछ ऑपोजिट, कुछ विपरीत हो ना, तब हम सलाह दे सकते. मतलब हमें तो पता नहीं हो क्या होगा क्या नहीं, लेकिन सलाह देना भाई ऐसा करो तो आपको ये भुगतना नहीं पड़ेगा. सुझाव मतलब बस बोल दिया कि आपने सुझाव दे दिया कि ऐसा करो, राइट? या तो टेक राइट टर्न एंड गो स्ट्रेट, इस प्रकार के, वही आपने सुझाव दिया, राइट? सलाह सुझाव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो. आगे, कॉमा यूनाइटेड कॉमा को हटाकर, अब देखना कॉमा यूनाइटेड कॉमा हटाकर यहाँ क्या जोड़ेंगे हम? टू. और टू के बाद क्या लिख देंगे? वाक्य की शुरुआत करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा. याद रखना टू इन्फिनिटिव है तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, राइट? डोंट, अगर नेगेटिव सेंटेंस शुरू होता हो, नेगेटिव सेंटेंस शुरू होता हो तो डोंट की जगह क्या करेंगे हम? नॉट टू. तो अलग से टू जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. याद रखना, तो बच्चे मोस्टली मिस्टेक करते हैं कि डोंट का नॉट टू बनाते थे और आगे और टू लिखते हैं, मतलब टू लिखते हैं फिर नॉट टू लिखते हैं. तो याद रखना ये टू इधर आ गया, नॉट उसके आगे, फिर जो वर्ब होगा उसी के आगे साथ कंटिन्यू क्रिया.
कंटिन्यू क्रिया के बाद अगर उसमें कोई दूसरी क्रिया जुड़ी हुई हो, कोई दूसरे कंजक्शन से कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस आगे जुड़ा हुआ हो, तो उसके प्रोनाउन में चेंज होगा, पर्सन में प्रोनाउन में चेंज होगा, टेंस में चेंज होगा और टाइमिंग वर्ड्स में चेंज होगा अगर दिया होता है तो। ओके, सो आया है समझ में? ये मेन टॉपिक है, मतलब ये आप फॉर्मूला जैसे समझ लो। ओके, तो ये समझना, फिर हम आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ओके, सी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देखते हैं अभी, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो अंडरस्टैंड केयरफुली और ध्यान से देखना। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, गेट आउट फ्रॉम हियर। मास्टर ने सर्वेंट से कहा कि दफा हो जाओ यहां से, गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके, तो ये ऑर्डर मिला, तो हम लिखेंगे द मास्टर सेड टू की जगह आएगा ordered। द मास्टर ordered किसे? द सर्वेंट को। कनेक्टर क्या आएगा? टू। अब टू के बाद क्या जुड़ा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गेट का गेट, आउट का आउट, फ्रॉम का फ्रॉम, हियर का चेंज हो जाएगा देयर में, फुल स्टॉप। देखो ये इजी पड़ेगा सॉल्व करने में, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, वो अगर समझ में आ जाए तो यू कैन इजीली सॉल्व। ओके, लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। सी सेड टू मी, प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस सम। प्लीज आया, देखो यहाँ एक्सप्रेशन पता चल रहा है, प्लीज मीन्स दिस इज रिक्वेस्टेड, मीन्स वी कैन राइट सी इन प्लेस ऑफ सेड टू, वी कैन राइट हियर रिक्वेस्टेड। सी रिक्वेस्टेड की से मी, प्लीज तो हट गया, कनेक्टर विल बी टू। आगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा आ रहा है? हेल्प का, तो यहाँ लिखेंगे हम हेल्प। देखना ध्यान से सुनना, सेड टू की जगह क्या लिखा हमने? रिक्वेस्टेड, फिर लिसनर आ गया, फिर कॉमा इन एड कॉमा हटा कर क्या लिखा हमने? टू। हेल्प का हेल्प, प्लीज हट गया, मी, मी मतलब मुझे, मुझे मतलब किसे? स्पीकर को, तो स्पीकर कौन है? शी। आई का मी, सी का सेकंड हर, सो वी कैन राइट हियर हर। टू, सॉल्व का सॉल्व, धीस का हो जाएगा दैट और सम का सम, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे हियर का देयर हो गया, धीस का दैट हो गया, तो ये हमने टाइमिंग वर्ड्स में जो चेंजेस होता है वहाँ लिखा हुआ है। ओके, सो यू कैन सी देयर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि भाई ये दवाई दिन में दो बार लेना, राइट? तो सलाह दी जा रही है, सो वी कैन राइट हियर द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, कनेक्टर विल बी टू, टेक का टेक, दिस चेंज इंटू दैट, मेडिसिन इंटू मेडिसिन ही रहेगा, ट्वाइस अ डे जैसा है वैसा, फुल स्टॉप, कॉमा यूनिटेड कॉमा विल बी ओमिटेड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अर्पिता सेड टू राज, डोंट टच माई मोबाइल। देखो यहाँ तक सेंटेंस फिनिश हुआ, फिर आगे क्या जोड़ा? अदरवाइज आई विल स्लैप यू, अदरवाइज आई विल स्लैप यू, नहीं तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ से इस कंजक्शन से सेंटेंस अलग जुड़ा हुआ है, सो लेट्स सॉल्व। अर्पिता, भाई डोंट टच माई मोबाइल, कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है? वो क्या सलाह दे रही है? ओके, विनती कर रही नहीं, वॉन कर रही, डायरेक्ट चेतावनी दे रही है। अर्पिता वॉन राज, देखो अभी डोंट आया, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस, डोंट चेंज इन टू नॉट टू, तो पहले टू लिखने की गलती मत करना, वो नॉट टू उसी में आ जाता है, यहाँ लिखा हमने नॉट टू, बराबर समझ जाना। नॉट टू, टच का टच, माय मोबाइल मतलब किसका मोबाइल? स्पीकर का, हु इज द स्पीकर? अर्पिता इज द स्पीकर, अर्पिता कौन? ही की शी। माय किसका हुआ? आई मी माय, तीसरा अर्पिता कौन है? शी हर हर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम हर मोबाइल, अदरवाइज आई, नहीं तो मैं मतलब कौन? फिर से आई किसके हिस्से में गया? स्पीकर के हिस्से में, स्पीकर कौन है? अर्पिता, वो कौन? शी, तो यहाँ लिखेंगे शी। विल चेंज इन टू उल्ड, राइट? स्लैप का स्लैप, अब ये यू कौन सा? यू कौन सा? तो यू ये सेकंड वाला। ओके, सेकंड वाला यू मतलब किसके हिस्से में गया? लिसनर के, लिसनर कौन है? राज,
तो यू का सेकंड यू ही होता है, राज कौन है ही, तो ही का सेकंड हिम, सो हियर विल बी हिम फुल स्टॉप, कॉमा एंड कॉमा हट गया। नाउ लास्ट एग्जांपल, ट्रैफिक पुलिसमैन से टू मी शो मी योर ड्राइविंग लाइसेंस। ट्रैफिक पुलिसमैन ने मुझे कहा भाई अपना ड्राइविंग लाइसेंस बता, राइट? तो हम लिख सकते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन अब शो मी योर ड्राइविंग लाइसेंस, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। तो ये तो एडवाइस तो करेगा नहीं, राइट? तो ऑर्डर करेगा या तो सुझाव देगा, सुझाव तो होगा नहीं लगभग कि भाई पैर से थोड़ी बोलेगा, तो पुलिस में तो डायरेक्टली रफली लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, सो ऑर्डर ही लिखेंगे हम। ओके, सो ऑर्डर मी, कनेक्टर विल बी टू, शो का शो, मी मतलब मुझे, मुझे मतलब मुझे दिखाओ, मतलब किसको दिखाओ, ट्रैफिक पुलिस मैन को, मैन लिखा है तो वो ही किसी ही हुआ, बराबर? तो मी लिखा है तो आई का मी हुआ है, ट्रैफिक पुलिसमैन कौन हुआ, ही, तो ही का सेकंड हिम, तो यहां लिखेंगे हम हिम। ओके, योर ड्राइविंग लाइसेंस, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस मतलब किसका, सुनने वाले का, सुन कौन रहा है, मैं खुद सुन रहा हूं, तो क्या लिखा, योर ना, यू यू योर, तीसरा मैं खुद सुन रहा हूं मतलब मेरा प्रोनाउन कौन सा, आई मी माय, तीसरा क्या आ रहा है, माय, मतलब यहां लिखेंगे हम माय ड्राइविंग लाइसेंस फुल स्टॉप। ओके, सो दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस एग्जांपल। सो आप समझे, समझ गए होंगे, सो जो भी लिखा हो उसे कॉपी में एक बार लिखना जरूर, अंडरस्टैंड करना, समझना, इसके बाद कुछ एग्जांपल भी देंगे हम और उसे भी सॉल्व करके हमें पर्सनली सेंड करना। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जिन बच्चों ने अभी भी लाइक सब्सक्राइब्स नहीं किया होगा वो लाइक और सब्सक्राइब्स करें ताकि आपको और अपडेट्सन अलग अलग वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।